नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में जो वैकेंसी आई हुई थी ड्राइवर पोस्ट के लिए, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही सरकारी नौकरी की नई सूचना जो भी बिहार में वैकेंसी आती है, रिजल्ट की हो, एडमिट कार्ड की हो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट होता है, हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए बिहार विधानसभा लिखा हुआ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरिएट, एडमिट कार्ड फॉर ड्राइवरी लाइसेंस वेरीफिकेशन। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एडमिट कार्ड फॉर ड्राइवरी लाइसेंस वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018, पोस्ट ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ड्राइवर के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, बिहार विधानसभा में जो पोस्ट ड्राइवर के लिए जो पोस्ट आई हुई थी, वैकेंसी निकली हुई थी, उसका अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप डाउनलोड कर लें। आपका एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी और शिफ्ट पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस दिन होगा और कितने समय से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिखा गया एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर लिखा गया डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर लिखा गया ये जो कैप्चा दिया गया है, इस वाले सेक्शन में डाल देना है। पहले वाले में जो आपने फॉर्म भरा होगा, उस टाइम पे जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आप जब आवेदन करते हैं किसी फॉर्म का, उस टाइम पे एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आप जो फॉर्म भरे होंगे उसका रिसिप्ट आपके ऊपर आपके पास होगा, या फिर आपके मोबाइल पे आया होगा, या फिर आपके ईमेल आईडी पर आया होगा, वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका जन्म तिथि है, जन्म तिथि डालेंगे, उसके नीचे एक कैप्चा दिया गया, ये नंबर होता है जो इसमें लिखा गया 8/7/6/T7M, यहाँ पे इसमें आपको डाल देना है। डालने के बाद नीचे में आएंगे तो लॉगिन करने का एक सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है बिहार विधानसभा का ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, परीक्षा तिथि के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एग्ज़ाम कहाँ पर आपका होगा, परीक्षा कहाँ पर होगा, किस दिन होगा, किस डेट में होगा, किस समय शुरुआत होगा, कितने घंटे का होगा, हर एक कुछ क्लियर उसमें लिखा हुआ रहता है आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में, आप देख लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई न्यूज़ के साथ, नई अपडेट के साथ।